और सुनिए जो बात हमने अभी अभी सोची इसको पहले से पता मुझे कहती है सब सत्य अपनी ये झूठ है। हाँ अभी तक कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी है, मैं कैसे पता कि वक्त को बहुत से बड़ा होता है। हुजूर मैं यहाँ कोई आ ही रहा था तो देखा रास्ते में बड़ी तादाद में लोग जमा है। हुजूर क्यों वो सर्कस आ गया तो चलो भैया। अरे नहीं नहीं सर्कस नहीं आया हुजूर, रिपीट कर रही थी। पूछने पर पता चला कि अलादा खान का इंतकाल हो। अरे कब और अलादा खान साहब गुजर गए जी? वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छाई थी हुजूर, कोई रो रहा था कोई सिसकियां भर रहा था। उफ काश हम वहां पर होते थे कि मुर्दार जीते। शहर कोतवाल और आपके खादिम होने के नाते हुजूर मैंने सोचा कि मैं वहां कुछ देर के लिए रुकूं और मनु के घर के लोगों को कुछ धीरज बंधाऊं। तुमने बताया थी ना जी? बंधाया बंधा जी कुछ 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 बहुत कुछ बंधा हो बहुत कुछ बंधा और इसी वजह से आपकी किस्मत जाने में देर होगी। अरे भाई बहुत अच्छा किया तो रुक जाए, आखिर शहर को तो आज पहले इसी से पॉकेट के दिल में गवर्नमेंट की अच्छी नसीब होती। अरे हम तुमसे बहुत खुश हुए बहुत पगार क्या है तो काफी लोग जमा थे। सुना हमारे दिमाग में ख्याल आया, बहुत अच्छा ख्याल होगा। तभी आया काफी लोग जमा थे जी, जो रो रहे थे जी। तो भी रोए नहीं देखा था सब घर के फटाफट डूब रहे थे। बड़ा असर पड़ता है लोगों। हमारे वालिद कहा करते थे हुकूमत का पहला उसूल यह है कि आम आदमी को बेवकूफ बना के रखो। गहरी जगह हमें तय किया है कि हमारे रात भर के जनाजे में शरीक होंगे।